करण वरण में जिस तरह से इंसान अपने जीवन भर की पूंजी को कमाकर उसको एक मकान बनाने में लगा देता है, वैसे ही ये जो पाकिस्तान से आए हुए पाक विस्थापित हिंदू हैं, जब वहाँ से परेशान होकर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर जोधपुर आए थे, जोधपुर में भारत में रह रहे हैं, लेकिन इनके साथ जो हुआ, क्योंकि ये भूमाफियाओं की बलि चढ़ गए, भूमाफियाओं ने इनको फर्जी ज़मीन जो कि JDA की थी उसको उनके वो बेच दिया गया, और JDA ने अतिक्रमण बताते हुए इनके मकान ध्वस्त कर दिया। आप देख सकते हैं कि सारे मकान बने हुए थे यहाँ पे, करीब 50 से ज़्यादा मकान है जो इन लोगों ने किसी ने 2 लाख में, किसी ने 3 लाख में, किसी ने 4 लाख में, अलग अलग कीमत में लिया है, और ये लोग मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात है, इनके पास अभी नागरिकता नहीं मिली है, क्योंकि अभी कुछ चंद ही दिन हुए नागरिकता मिलने के बाद, ये आगे कुछ कर पाएंगे। अब सबसे पहली बात, आपका नाम क्या मुझे बताओ? सर चौथाराम। चौथाराम जी, आपने कहाँ से लिए थे, किससे लिए थे? सर ये हमें लिया थे भेर जी नाम है हमारा रिश्तेदार, ये हमारे बीच में भेर जी से लिए, अब रहमान से, और रहमान बाबू और माणक जी, ये तीनों चारों ने दलाल ने मिलकर हमारे को लूट मार किया। बोलो भाई अब आप इधर बैठे रहो और देखेंगे कब जे हमारे को इतने पैसे लाख लाख रुपये दे, उन बैठे रहो, आपको कोई हिलाएगा नहीं, अगर सरकार आएगी तो फिर देखेंगे, मिले जुले करेंगे, पर सरकार आपको सविता करेगी। भाई हमें बता देते थे तो हमें तो सरकार बता देती भाई अवैध कब्जा है, तो हम पहले से जाते थे, पर इस वजह में सरकार आती जाती थी इधर, कोई आपस में कब्जे पर हमारी आपस में भिड़ गए थे। जब अपने चौखा थाना आया था, थाना इस जगह पर आया था, फिर वो पता नहीं किस वक्त को आपस में पैसे लेकर आपस में उनको बोला चलो तुम चाह जाओ चलो, आपस में भिल कर फिर वो चले गए, और हमारे को ये माणक ने, रहमान ने और भेर जी ने, ये तीनों चारों ने मिलकर हमारे को लूटा मारा। ये लाख लाख रुपए में हमारे कम से कम नहीं परिवार है तो 16 परिवार इधर रहते हैं। हाँ सर, तो ये जो आप मुझे तो ये बताओ कि जैसे पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तान से क्यों आए यहाँ पे, पाकिस्तान में क्या परेशानी थी आपको? सर महंगाई थी और दुखी थे हम, महंगाई थी, महंगाई की वजह से हम नहीं उधर रह पाए। हमने बोला अपने देश जाए, बच्चों को पढ़ाए, हमारे 2 बेटियां अभी पढ़ाई होती हैं, पर अब मैंने बोला कोई रिवाज जगह तो बना ले, फिर बेटी बच्चियों को पढ़ाए तो हम ठीक रहेंगे, पर इसी वजह से पढ़ाई की वजह से हमने बोला सुख ही आएंगे, पर इधर आए तो राजस्थान सरकार ने हमारे तो ऐसा काम किया, क्या करें, अब हमारे एक एक पाई पाई रुपयों की मेहनत की कमाई 2 दिन में, ये देखो हवाल क्या हवाल किया हमारे से, पानी का टांका ही नहीं छोड़ा, अभी बच्चे मर रहे हैं भूखे प्यासे तिर से मर रहे हैं, इनको पीने के लिए पानी नहीं, ये देखो हवाल सर, आप देख सकते हो। अब जिस तरह से ये आपने बताया कि आपकी आपका दुख है काफ़ी आपके जो, मगर ये तो अतिक्रमण था इसलिए तोड़ दिया गया, अब आप आगे क्या करेंगे, यहाँ पे रहेंगे खुले में कैसे रहेंगे? सर हम तो राजस्थान के सरकार से यही निवेदन करते हैं, हमारे को किसी जगह पे छोड़े तो हम कोई बच्चे उधर बैठ सकते हैं, अब कोई पंछी तो नहीं है जो पेड़ पर बैठेंगे, हमारे को इधर उठाए तो कोई जगह तो हमें दें बैठने के लिए, यही हमें सरकार राजस्थान सरकार से यही निवेदन करते हैं। मैंने तो जब तक कार्रवाई की थी उस दिन ही मैंने कहा था उनको, DDA को मैंने बोला सर आप ऐसे कीजिए हम भाई बदी से जाएंगे, हमारे को नहीं लेटर दिया आपने, 2 दिन पहले लेटर तो देना था, उसके बाद में हम जा सकते थे, बोला ठीक है कोई पेड़ के नीचे बैठ सकते थे, अचानक आपने ये हमला किया हमारे ऊपर अटैक किया, ये तो आपने सर, मैंने बोला DDA को बोला आप अच्छा नहीं किया सर जी, आप भी यहीं पर रहते हो ना आपके मकान, क्या नाम आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक कुमार जी मुझे बताओ, पहले तो आप पाकिस्तान से आप यहाँ पे हिंदुस्तान आए क्यों और कितना समय हो गया? मुझे सर 3 महीने वे में आया हूँ पाकिस्तान से, हालात तो सारों को पता है, अपना अगवाखोरी हो रही है, बच्चियों की जो इज्जत पे आबरू पे जो हाथ डालते हैं, और वहाँ के जो ज़मींदार है वो भी अपना टॉर्चर करते रहते हैं, इस वजह से अपने भारत में आए, लेकिन भारत में आए तो ये यहाँ पर हमने आए, हमारे को रिश्तेदार है भेरा राम, तो उनसे हमने कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने ये प्लान लेके दिया, कोई है मुसलमान है उनसे लेके दिया है कब्जे का, ये 1-1 लाख में हमें लेके दिया, कोई है रहमान नाम है उसका और दूसरे का नाम है बाबू, उससे लेके दिया हमें, वो लेके दिया, और फिर 2-3 दिन के बाद आए ये JDA वाले, देखो क्या हाल कर दिया है, सारा तोड़ फोड़ दिया, हमें कोई नोटिस नहीं दिया ना ही कोई सूचना दी, ऐसे आए और सारे बुलडोजर घुमा के सारा। आप जानते हो रहमान जो बाबू जो लोग नाम बता रहे हो उनको जानते हो क्या, कि ये लोग कहाँ रहते हैं, क्या कुछ करते हैं? नहीं सर उनको तो नहीं जानते, लेकिन भेरा राम को जाते हैं, वो हमारे बीच में है, उन्होंने ये सारा डील किया, उन्होंने को सारा पता है, हमने तो भेरा राम को पैसे दिए, उन्होंने लेके दिए, कोई है रहमान पता नहीं
ऐसे नाम बोलते हैं, उसने बोला। अब सबसे बड़ी बात बता दूं कि ये पाकिस्तान से आए थे हिंदू विस्थापित, जो कि वहाँ से परेशान होकर प्रताड़ना झेलने के बाद हिंदुस्तान में आए थे अपना घर में, लेकिन यहाँ पर भी भूमाफियाओं के कब्जे में आ गए। और भूमाफियाओं ने जो इनके साथ किया है वो आप उसका दृश्य आप देख सकते हैं सामने। देखिए जिस तरह से ये मकान बने हुए थे, लोग यहाँ पर रह रहे थे और वो सारे मकान तोड़ दिए गए। ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं आप जिस तरह से देख रहे हैं, तेज़ धूप में बाहर खड़ी है और किस तरह से अपना एक दिन पूरा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कल सुबह तक कैसे क्या किया जाए, कल फिर इनको इसी समस्या का सामना करना है। इनके सर के ऊपर छत तो नहीं है, लेकिन छत का इंतजार अभी भी है। मैं 2.5 लाख में लियो भाई, मैं से झूठ नहीं बोले जा, 2.5 लाख में भरा, अपन किस्त में भरा, मान कर के थे रुपया, हाँ 1 लाख ऐसी यहाँ कर मिला वहाँ साढ़ी, हाँ वही जो उरा डीना माँ पैसा माँ रेवण सारू माना कित में डीना 2020 में मैं किस्त देना पर माँ को घना तो है मारो को करोड़ बेरोड़ मैं 1 लाख रुपया डीना ओ मार सारो 10 करोड़ है तो कि तो मैं 200 हाजिरी कमाओ कि 100 मिले कदे तो को अड़ा वो 200 ही माना नहीं दे मैं भूखा याने सुए रहा पेट बांधे कमाऊँ पाया। हाँ ये छोटे छोटे बच्चे पाकिस्तान से आप यहाँ पे क्यों आए थे? क्या पाकिस्तान में आया तो लूट मार रही, पाकिस्तान में क्या सुविधा है, वो तो देश ही हमारा हुआ में मारो तो सभी तो जिन्हें तो निकले आया ये तो हिंदू मुल्क में हिंदू है तो हमारा मुंगा ढेर बना जा। हाँ हमारा मकान तोड़ा बच्ची आज मानी 15 दिन हमारी बच्ची है वो धूप में बैठी है, बींदनी हमारी बीमार है वो पड़ी है नहीं चार पायर नीचे थे, आप खुद देखो की बात बनी है। हाँ तो चार पाया जब पगा हुआ माचार हेठा पड़ी है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जोधपुर में इन दिनों गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए, गर्मी तेज गर्मी भी है और साथ में लोगों का साया भी नहीं है, जो बसेरा बनाया था वो तोड़ दिया है जेडीए ने अतिक्रमण बताते हुए। अब हम यहाँ बात करेंगे, आप कब से आए हैं और मुझे बताइए ये जो छोटे छोटे बच्चे भी है किस तरह से आप गुजर बसर कर रहे हैं? मैं तीसरा महीना जैसे बच्चे वगैरह कैसे रह रहे? मकान तो मकान आई नहीं अच्छे धूप में बैठा टोका नहीं पानी की करा पानी पीने वास्ते तो टोका हुई तोड़ देना मकान बना तोड़ा चार पैर नीचे होता की करा बच्चे धूप में रहे। आप देख रहे हैं कि बेबसी इनकी है कि इनके मकान जो बनाए थे इन्होंने बड़ी मुश्किलों से पैसे इकट्ठे करके पाकिस्तान से आए थे परेशान होकर और यहाँ पे आने के जो मकान बनाने के बाद इनके तोड़ दिए गए, अब बड़ी बेबसी से रह रहे। आप बताओ आप कब से आए हो, किस तरह से आप तीसरे महीना है तो अब किस तरह से रह रहे हो आप? बहुत दुखी में रह रहे हैं, तावड़ा आया बच्चे लो देखो। जैसे पाकिस्तान में क्या कुछ होता था जो यहाँ पे लूट मार थी, महंगाई बहुत थी, हम बहुत दुखी थे, हाँ इसीलिए हम भारत में आए, भारत में हमारे साथ ये होता है, हमें यहाँ पे दुख वो रहा हम इस बच्चे के लिए हमें भविष्य के लिए कि हमारे मुल्क जाए हम इसे पढ़ाए लिखाए कोई आगे हो जाए। हाँ। पर यहाँ पे यही है। अब जिस तरह से देख रहे हैं कि इनका गला भर गया है कि ये बोलते बोलते इनके आंखों में आंसू आ रहे हैं, अब आप इनका दर्द समझ सकते हैं कि इन्होंने कितनी मुश्किलों से अपना ये यहाँ तक पहुँचे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और इनके सामने बड़ी संकट है। माता जी आप भी काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे, तीसरा महीना है कौन रो तो भाई जुल्म तो भाई छोटे बच्चे छोटे खड़े पड़िया को मारे पड़िया को लूट मार को की उबेर करे आप देश में आए भारत देश में तो मन तो तेरे तलियो नहीं मिला जो को मैं ब्याह नहीं पौनी नहीं को तेरी मजदूरी को नहीं, मैं प्लाट लिया तो प्लाट और 1 लाख रुपया लिया ओ लेन धनी किया ही ज्ञान ओ सिंधी है आन बैठा हम आठ कर किसको दिए थे आपने पैसे? सिंधिया ने नहीं कौन है ये? ये तो पता नहीं कौन है, हमने 1 लाख रुपया दिए थे प्लाट के। अच्छा बेरे ने लिए थे मुसलमान से, मुसलमान पता नहीं कौन है उसका, हमारा नाम ही नहीं आता। अब आप देख सकते हो इन लोगों से बोला नहीं जा रहा, अब एक साफ मैं चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे जो देख सकते हैं कि जिस तरह से लोगों के मकान तोड़े गए, घर में खुला सामान पड़ा है, जिस तरह से खुले में मकान और सब चीज़ें खुले में है, ये मंदिर भी था इनका बताने जा रहे हैं कि जिस मंदिर बनाया था मंदिर भी तोड़ दिया है। अब यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा जो अभी कुछ दिनों पहले डिलीवरी हुई थी वो माँ अपने बच्चे के साथ है और बहुत ही बुरी स्थिति में, अब यहाँ पे आप भी आए हो, आपका क्या नाम है? इधर आइए आप। भाई मेरा श्रवण नाम है। श्रवण मुझे बताओ इधर आओ कि ये आप कब से रह रहे हो यहाँ पे, क्या कुछ हुआ था? भाई हम जैसे पहले रहे थे कोई भी नहीं हमारे को बोला, ठीक है पहले शुरू में आए इसकी मिट्टी भराई करी आगे पीछे किए, कुछ ने भी कुछ भी नहीं बोला, ठीक है हमने तो प्लाट ले लिए, हमारे को तो बंदे नहीं है, हमारे को मालूम नहीं क्या हिसाब है क्या नहीं है इधर, सही हमने झोपड़ियाँ बनाई करी हर शे ठाई करी, ठीक है एक दिन पारे काम पे गए वापसी आए तो झोपड़ियाँ खत्म।
नहीं तो यहाँ आप पाकिस्तान से यहाँ पे क्यों आए और यहाँ पे आपने प्लॉट ले लिया बना दिया क्यों? पाकिस्तान में मतलब ये है तो भाई उधर महंगाई बहुत है, ठीक है, हम बोलते हैं इधर तालीम बोलेंगे इस बच्चों की, ठीक है, इसलिए हम बच्चों के लिए आए हैं, परवेशन हुए अच्छे लिखे पढ़े, हमारी तो ऐसे ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, हम बोले हमारी बच्चों की ज़िंदगी नहीं ख़राब हो, इधर तो हमने देखा है तो यार हमारी तो ऐसे ज़िंदगी तबाह है, उनकी भी तबाह हो जाएगी, जैसे नमूने देखते हैं ऐसे ऐसे उनकी भी तबाह, पानी के नहीं टैंके छोड़े हैं पानी पीने के लिए, नहीं दूसरे ताइतिया बेच के लिए था ये तरपाल वो भी टोल दिया, हाँ सीधी बात है, और हमारे क्या हुए, हाँ जो भी हमने कमा के एक कुआड़ी मारते आंकड़े को काट काट के आए इंसान तो देर नहीं किए, पाँच मिनट में सारा धूम धमाल करके जय बाबे की करके बोएंगे, ऐसे तो थोड़ी होता है भैया, हमारे को इंसाफ दे, हम भारत अपना देश करके आए हैं भारत माता के, हम ऐसे थोड़ी के बच्चे हैं छोटे छोटे यार, आज इतना दिन बैठे हैं फारक जैसे तोड़ के गए फिर धमकी दे के गए फिर बनाओगे फिर तोड़ेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, हम जाएंगे तो जाएँ कहाँ, अभी तुम खुद बताओ यार हम कहाँ जाएँ, हम तो उधर से ज़मीन लेके तो नहीं आए हम यार, हाँ पक्की तो नहीं है किस बेल पे चल जाएंगे, ये बच्चे हैं छोटे छोटे यार, नहीं कीरी तो नहीं है उधर उधर रहेंगी, हम इंसान हैं यार, हमारे को लाजमी मकान सरकार देगी नहीं तो कौन देगा यार, यार ये सरकार से बोलो हमारे के दो गरीब बंदे हैं, जय भारत माता की जय। ये जिस तरह से आप देख रहे हैं भारत माता की जय भी बोल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान से हम बड़े बेबसी से निकल के आए थे वहाँ से बचने के लिए बच्चों के भविष्य के लिए, लेकिन यहाँ पे भी आने के बाद जिस तरह से इनको ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जिससे इनको लगता है कि यहाँ पे भी भविष्य अंधकार में है। जोधपुर से करणपुरी ABP न्यूज़।